से। तो ये गुलाब आप एक्सेप्ट करिए नीरज जी। हे एवरीवन, जय श्री कृष्ण, आप सभी को मेरा प्रणाम। वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के व्लॉग की जो स्टार्टिंग हो रही है वो है सुबह के 7:05 ऐसे कुछ होंगे। एंड ये देखिए कोहरा, एक सेकेंड आपको बैक करके दिखाती हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त कोहरा लगा है। एंड ये इस ठंड का फर्स्ट कोहरा है, अभी लगा है कोहरा, पहले भी लगा था, मतलब बहुत माइल्ड एकदम थोड़ा थोड़ा लगा था, लेकिन आज तो भाई बहुत ज़्यादा ठंडा है, आई मीन बहुत ज़्यादा कोहरा लगा है। एक मिनट दिखाती हूँ पहले। ये है आज का मौसम, तो ये देखो मौसम के बारे में क्या ही बोलूँ, आप लोग को दिख रहा होगा। तो अभी जो है ना सुबह के 7 बज चुके हैं, और ये देखो, ये देखिए मौसम, तो ऐसा मौसम है हमारे यहाँ का। ये देखो गाइस क्या मौसम हो रखा है, मतलब इतना ठंडा हो रहा है ना, मेरे को तो उठने का दिल ही नहीं कर रहा है। देखो कोहरा, गेट ना हमारा जो कि मेन गेट है ना वो भी मतलब दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। और सुबह जब 5 बजे भाभी जानवर को हाथ लगाने जा रही थी, कोहरा ना यहाँ तक था, हमारा जो ये आंगन है आंगन तक कोहरा था। सो और मतलब ये पाला गिर रहा है ना, तो उसकी भी ना हल्की हल्की साउंड आ रही है, मतलब मेरे को सुनाई दे रही होगी, आपको नहीं सुनाई दे रही होगी मे बी। सो ये देखो कैसे कोहरे कोहरा चारों ओर कोहरा और है। तो ये है कोहरा, और ये देखो कोहरा कोहरा बहुत ज़्यादा ठंडा है। एंड आज डेट है 29, यानी कि आज है नीरज का बर्थडे। सो यस, आज मेरे पतिदेव जी का बर्थडे है। सो अभी तो मैंने उनको विश कर दिया है, उनको मैंने पहले ही विश कर लिया था, उनसे बात बात भी कर ली है। तो अभी ना वैसे पता है कोहरा इतना लगा है, मैं अभी नहीं उठती, सच में कह रही हूँ, मैं तो थोड़ी देर में ही उठती, बट आज उनका बर्थडे है तो मम्मी भी घर पर अभी नहीं है। जैसा कि मम्मी कल नहीं बताया आपको शायद मैंने, तो कल ना मम्मी मंजू जी के घर गई थी रिया के साथ। सो मम्मी आज शाम को आएंगी, तो बाप रे यार इतना बोलने की हिम्मत भी नहीं हो रही, इतना ठंडा पड़ा है ना, एक तो पाले के नीचे खड़ी हुई हूँ। सो एक मिनट अंदर जाती हूँ पहले, क्यों ठंड में अपने आप को सजा दूँ यार, छत के नीचे तो जाऊँ कम से कम। सो यस, तो मम्मी ना मंजू जी के घर गई थी, तो वो आएंगी आज शाम को, मे बी क्या 100% चांसेस आने की मम्मी कह तो रही थी, क्योंकि आज है उनके चहीते प्यारे बेटे का बर्थडे। तो होता है ना सबसे छोटा और सबसे खोटा और सबसे प्यारा, तो नीरज बहुत ही मम्मी को बहुत ही ज़्यादा प्यारे हैं, तो उनका आज बर्थडे है। सो आज ज़्यादा तो कुछ ही नहीं, थोड़ा बहुत जो भी करेंगे सुबह से प्रोग्राम स्टार्ट, मतलब थोड़ा बहुत जो भी है, पहले तो सबसे पहले मैं नहा लेती हूँ, जल्दी से कर लेती हूँ साफ़ सफाई, फिर नहा के पूजा कर लेती हूँ, और फिर आगे की प्रोसेस करेंगे, क्या है रहता है क्या नहीं रहता है, छोटा मोटा जो भी है आप लोग को दिख जाएगा। सो चलो चलते हैं पहले काम करने के लिए, और बहुत ज़्यादा ठंडा है यार, पहाड़ों में ही ठंडा कहते हैं ना, पहाड़ों में ठंडा, सच में बताऊँ मैं तो पहाड़ की रहने वाली हूँ, जहाँ मतलब मेन पहाड़ होते हैं, मतलब पिथौरागढ़ की रहने वाली हूँ, बट ना मुझे ना वहाँ से भी ज़्यादा ठंडा यहाँ लगता है यार, पता नहीं क्यों, मुझे वैसे तो मुझे हर जगह ठंडा लगता है, बट वहाँ से ज़्यादा ठंडा मुझे यहाँ लगता है। एटलीस्ट वहाँ ठंडी हवा चलती है, बट धूप तो आती है क्लियर, यहाँ तो कोहरा लगता है ना, तो भाई पूरे दिन दिन भर धूप नहीं आती है, ऐसा हो जाता है यहाँ। सो भाई सांस भी नहीं ले पा रही हूँ। तो चलो चलते हैं और आज के दिन की शुरुआत करते हैं, और आपको दिखाते हैं अपना दिनचर्या। तो नहा धो के मैंने भगवान को दिया भी लगा लिया है, और हल्की हल्की ना मतलब कोहरा हटने लग गया है, तो चलते हैं, बहुत ठंडा लग रहा है यार अभी तो फिलहाल। जय हो भगवान नारायण। हाय कह दो, हाय कह दो, चिन्हू यहाँ देखो, ये देखो, हाय कह दो। सो ये ब्रश मैंने मंगाया था, देखो ब्रश दिखाओ, ब्रश मंगाया था, हाय कह दो। हाँ सो ये ब्रश मैंने ऑनलाइन मंगाया था, काफ़ी छोटा है बट ओके, क्या जानती है ब्रश करना अभी के लिए फिलहाल ये। सो पूजा कर ली है, टीका भी लगा लिया है, ये ना इसे इग्नोर करना, ये जी आंसी के काम है, मतलब जी नल्ला। हे मामा, जी नल्ला इतनी गंदी है ना, उसने ना मंदिर में ना दिया जो नहीं है उसको मतलब गिरा ही दिया था, वो तो थैंक गॉड मैं चले गई, और तो गिराती तो क्या हाथ चला देती बदतमीज। तो ये ना जीना ने लगा रखा है मुझे टीका, इसको आजकल ना मतलब हमें देख के शौक लगे रहता है, तो वो भी टीका ऐसे ऐसे करती है भगवान को, मेरे को, और इसकी एक डॉल है टीनू, उसका तो
क्या ही बताऊँ क्या हाल की है, अंदर है फिलहाल, बाद में दिखाऊंगी। सो अभी चलते हैं नीचे एंड जय हो सूर्य नारायण। कितना अच्छा लगता है ना जब सूर्य मतलब सूर्य भगवान की पहली पहली किरणें आती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। जय भगवान। तो चलते हैं नीचे और काफ़ी अच्छी स्मेल आ रही है, मतलब बहुत ही अच्छी महक आ रही है, कुछ बनाया है शायद। हाँ बाबा एक मिनट रुको, तो देखते हैं भाभी ने आज क्या बनाया है स्पेशल। अच्छा अभी आ चुके हैं हम लोग किचन में एंड आज तो भाई बन रहा है मालताल। तो बना रहे हैं क्या, मूली धनिया मेथी के माड़े, तो ये प्याज धनिया मूली मेथी मिक्स करके माड़े बन रहे हैं। और ये तो बन भी गया यार, एक एक माड़ा बन गया है क्रंची क्रंची। तो आज सुबह सुबह नीरज के बर्थडे की शुरुआत हो चुकी है। तो कहते हैं हम लोग इस व्लॉग को यहीं पर एंड, होप सो आप लोगों को छोटा सा बर्थडे का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय राधे राधे, गुड नाइट। तो नीरज जी तो है नहीं, तो उनके नाम पे खाएंगे हम। तो बता देती हूँ ये नीरज जी के क्या है फेवरेट डिश है। एक टाइम में तो बहुत खाते थे यार, अब तो उन्होंने कम भी कर दिया है खाना, लेकिन छुट्टी आते थे ना तो रोज माड़े 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 या चावल के पराठे। चावल के पराठे तो अभी उन्हें बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उनके लिए हम आज सुबह से शुरू हो गया है भाई कुछ ना कुछ बनना। तो आज बना है सुबह सुबह माड़े ब्रेकफास्ट में, और साथ में क्या रहे, चाय भी है, चटनी भी है, और कल की ना गोभी की सब्जी भी है, क्योंकि कल किसी ने ज़्यादा खाया नहीं था रात को, तो कल जो गोभी की सब्जी है वो भी है। तो भाई मेरा तो कल फास्ट था, तो उस वजह से मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। तो जल्दी से करते हैं ब्रेकफास्ट, पहले जीरो खिलाते हैं उसके बाद हम करेंगे। तो चलो खिला लेती हूँ उसको। तो अभी जो है शाम हो चुकी है एंड मम्मी भी आ चुकी है मंजू दी के घर से। मम्मी रुको रुको, जो है मैंने ना सुबह टीका नहीं लगाया था नीरज को, क्योंकि मम्मी मैंने सोचा कि मम्मी बड़ी है यार, मम्मी आएगी तो मम्मी लगा लेगी, इसलिए मैंने नहीं लगाया था। तो मम्मी अभी आ गई है। तो ये जो है नीरज की फोटो है, तो यही फोटो को हम लोग हमेशा यूज़ करते हैं, चाहे आज तो बर्थडे है, वैसे करवा चौथ में भी यूज़ करती थी वैसी फ़ोटो को, और राखी हो भाई कुछ भी हो, मतलब कभी भी पूजा हो जाए कुछ भी हो, तो हम लोग इसी फ़ोटो को यूज़ करते हैं। तो ये है नीरज चंद। तो मम्मी लगाएगी टीका, तो मम्मी लगाएगी टीका अपने बेटे को। फूल तो रखो, फूल लाई थी एक, मैं फूल गुम कर दिया। तो ये है मेरे पति देव। सो ये ना अभी ड्रेस में है, तो अर्जा तो ड्रेस में दिखाना नहीं चाहिए ऐसा कहते हैं, और सही बात भी नहीं दिखाना चाहिए, बट ये है, दूर से दिखा लेती हूँ। तो ये जो इनकी ना ट्रेनिंग की फोटो है, जब ये ट्रेनिंग करते थे, तो कितने पतले से थे देखो, दुबले से पतले से। इनका फेस देखो, हाँ फेस दिखाती हूँ, फेस देखो कितने पतले से हड्डी से थे जैसे तो खाया ही नहीं है। हैप्पी बर्थडे टू यू नीरज चंद जी बेटा, मेरा लाडला बेटा। लो सो ये रहा आपके लिए गिफ्ट मेरे तरफ से, तो ये गुलाब आप एक्सेप्ट करिए नीरज जी। तो चलो अभी करते हैं अभी जो केक, तो केक वेक ना ऐसा कुछ आप लोगों को पता है कि हमारे घर में ज़्यादा केक वेक मतलब बच्चे खाते हैं, मैं भी खाती हूँ, लेकिन अभी जो बर्थडे बॉय है वो केक नहीं काट पाएगा। फोटो रख दे दो अश्विन सेल्फ में, तो बर्थडे बॉय केक नहीं काट पाएंगे तो क्या फ़ायदा। इसलिए हमने क्या किया ना, मैं बना रही हूँ हलवा, क्योंकि हलवा सब लोग खा लेते हैं और मीठा भी है, कुछ ना कुछ बनाना चाहिए। तो आज मैंने बनाया पापा को भी लगा के आ जाओ, आज मैंने बनाया सूजी का हलवा। क्या बोलते हैं, अभी जो है आज हम लोग बनाएंगे सूजी का हलवा, जो मैंने मतलब पहले बार जहाँ मैं वहाँ जबलपुर में बनाती थी, और नीरज को भी बहुत पसंद आता था, तो इसलिए परसों तो हमने खाया था, किसका कल खाया था कल तो हमने बेसन का हलवा खाया था, क्योंकि कल मेरा फास्ट था, और परसों हमने खाया था गाजर का हलवा खाया था, और आज मतलब रोज हलवे हलवे हो रहे हैं, और उससे पहले हमने खाया था। तो ये भी आ चुका है नीरज जी का फोन, देखो कोइंसिडेंस इतना अच्छा हो गया। हैप्पी बर्थडे, फोन करा था क्या, हैप्पी बर्थडे, तो चल बात कर ले, तो बात करो, हैप्पी बर्थडे विश करो। सो अभी ये लोग ना बर्थडे विश कर रहे हैं उनको, तो चलो जल्दी से बनाते हैं अभी हलवा। मैंने ड्राई फ्रूट्स मंगाए हैं, फिर बनाती हूँ हलवा और आप लोग को दिखाऊंगी। छोटा सा मिनी सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम लोग। सो आप फिर से नीरज को मेरे ब्लॉग के थ्रू हैप्पी हैप्पी मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, आई लव यू सो मच।
तो ये बनाया है मैंने केक, जो कि हलवे से बनाया है, सूजी के हलवे से। तो ये है एक होममेड केक मेड बाय मी। तो ये मैंने बनाया है उनके लिए। इसको करते हैं कट। जीनू, अच्छा हाय कह दो, हाय कह दो, हाय कह दो, हाय, हैप्पी बर्थडे कह दो, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे डैडा, बोलो बोलो जीनू, हैप्पी बर्थडे कह दो, हैप्पी बर्थडे, क्लैपिंग कर दो, क्लैपिंग, चलो क्लैपिंग कर दो, हैप्पी बर्थडे। नहीं नहीं जी जी पापा जी। सो चलो करते हैं जल्दी से केक कट। मैंने इस पे लगा लिए एक कैंडल जो कि नीरज के लिए है, और एक और लगाती हूँ यार, वैसे तो मैंने दिया लजरा दिया है, ठीक है, इट्स ओके, हल्ला नहीं करो भाई। जैसा कि आपने मेरे आगे वाली क्लिप में देख लिया होगा, आज में है मेरे पति का बर्थडे, आई मीन मतलब नीरज जी का आज बर्थडे है। तो मम्मी लगा रही है अभी सबको टीका। मम्मी आ गई थी मंजू दी के घर से शाम को 5 बजे के समथिंग, ऐसे आई थी 4:30 5 बजे ऐसे आई थी। तो मम्मी अभी सबको लगा रही है टीका एक एक करके। जीनू लगा दिया, अब अभी टीका मांगी चिल्लाएगी। मैंने भी टीका लगा ली है, आपके नाम का हम तो चलो हैप्पी बर्थडे स्टार्ट कर। हैप्पी बर्थडे टू यू, happy birthday to you, happy birthday dear chachu, happy birthday once again mr neeraj chan, aapko janmdin ki bahut bahut badhaiyan, tere ko hoye janmdin ki, ye cake hai aapke liye, ye sab mere ki pet mein aane wala hai, main candle, main neeraj chan, neeraj, neeraj सुनो ऊपर का, मेरे को भी दिखा, उसे मत दिखा। नीरज मैं कैंडल को फूक मांग रही हूँ, विश मांगो, विश मांगो, विश। नीरज के लिए एक कैंडल तो मैंने बुझा दी है, ये कैंडल मंदिर के लिए है जो तुलसी में रखेंगे हम, और जा रख दे। सो अभी मांगती हूँ मैं एक विश। तो ये हो गया हमारा सेलिब्रेशन, एंड आज मैंने क्या क्या बनाया मैं दिखाती हूँ खाने में। चलो केक चम्मच आ दो, चम्मच आ दो अश्विन। तो ये पहला जो बाइट है केक का वो मैं खिलाती हूँ नीरज को। तो ये लो, खा लो केक, फोटो के थ्रू खा लो। और ये गुलाब जो मैंने आपको दिया है मम्मी भी खिलाएगी, खिलाओ केक, खा ले रे मेरा लालू, मम्मी को खिलाती हूँ। मम्मी तू भी खा। हाँ हाँ, कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है, मस्त, मजा आया। तो हलवा तो मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ, अपनी तारीफ में खुद से करती हूँ कि मैं हलवा बहुत ही अच्छा बनाती हूँ, कोई कहे ना करे। तो अश्विन को खिलाते हैं, कैमरा मैन अश्विन खाएंगे हलवा। लो नीरज, नीरज आप खा लो। और लो ये है मंजू दी की बाइट, मंजू दी के नाम का हलवा जो खा रही है दादी। अब मम्मी खिलाएगी मेरे को। खाती नहीं है, इसकी तो दिक्कत ही है, गरम है पास। बाद आप लोगों से। तो ये है मेरी फाइनल प्लेट आज रात की। तो आज मैंने नीरज के बर्थडे बनाए थे चने, काले चने, और ये है सूजी का हलवा, और ये है मेरी पूरी। तो आज हमने ना डिनर में यही बनाया है। सो मैं करती हूँ अब अपने डिनर को एंजॉय। और नीरज बेचारे ने तो कुछ खाया नहीं होगा, उन्होंने वहाँ रुखा सूखा जो मतलब पैसे तो मिलता ही है वहाँ फौज में, बट उनके बर्थडे का जो स्पेशल जो खाना है ना, घर का खाना, और टाइम तो मेरे साथ खा देते, बट इस बार मैं नहीं हूँ तो कोई नहीं, इस बार मैंने फैमिली को खिला दिया बना के। तो चलो इन्जॉय करते हैं, टेस्ट करते हैं पहले। हलवा और पूरी का कॉम्बिनेशन भी ना बहुत लोगों को पसंद आता है, जैसे कि मैं। बहुत टेस्टी हो रहा है।
सो फ्रेंड्स, आ चुकी हूँ मैं रूम में, सारा काम कंप्लीट हो गया है, सारा सेलिब्रेशन हमारा हो चुका है। तो अभी करते हैं इस व्लॉग को एंड। बट व्लॉग को एंड करने से पहले मैं अनबॉक्सिंग करती हूँ गिफ्ट की, क्योंकि ये एक बेटा, क्योंकि ये बर्थडे का व्लॉग है तो आज ना मैं उनकी गिफ्ट की भी अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ। सो ये पैकेट को देख के तो आपने समझ लिया होगा मैंने कहाँ से मंगाया है। सो यस, मैंने ये ऑनलाइन मंगाया है, क्योंकि ना ऑनलाइन मैं ना कोई भी चीज़ होती है, चाहे कपड़े भी, मैं ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही मंगाती हूँ। ठीक है यार, ज़्यादा घूमना भी नहीं पड़ता, भटकना भी नहीं पड़ता, और कोई चीज़ पसंद आए तो चेंज करके आपको पैसे भी रिटर्न हो सकते हैं। बट शॉप में ना बहुत दिक्कत होती है, मतलब पैसे नहीं देते हैं, उसके बदले कुछ और ही लो, फिर कुछ पसंद ही ना आए ज़बरदस्ती लेना पड़ता है। तो इससे बेटर ऑप्शन है, ज़्यादा भटको भी मत और ज़्यादा माइंड को डिस्टर्ब भी मत करो, ऑनलाइन मंगाओ। तो चलो ज़्यादा बात करते हैं, गिफ्ट को ओपन करते हैं। अच्छे लग रहे हैं यार, तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद आ रहे हैं सच में यार। और कितना प्यारा सा छोटा सा पिंटू सा है ना इसका डब्बा, और देखो इसके इसके पीछे स्कैन भी है, अगर किसी को पैसे भेजना तो उसे दे सकता है। तो देखते हैं, वाव है ना अच्छे। तो ये है इनके ईयरबड्स, तो ये लाइट भी आ गई, लाइट अच्छी आ गई है, वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सही आएगी। तो ये हैं इनके एयरबड्स। सो करते हैं हम लोग इस व्लॉग को यहीं पर एंड। होप सो आप लोगों को छोटा सा बर्थडे का व्लॉग पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं जल्दी से एक नए व्लॉग के साथ।